हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने है अपाची RR 310 का नया कलर, नया वेरिएंट और नए अपडेट्स के साथ ये आ चुकी है। तो आपको इसमें क्या क्या अपडेट्स मिलने वाले, 4 से 5 बड़े अपडेट हुए हैं तो वह मैं वीडियो बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर प्राइसिंग की बात आपको बीच में बताएंगे। तो ये इसका नया बॉम्बर ग्रे कलर है, कलर का नाम है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लच वाला जो हब है इसका, वो आपको ट्रांसपेरेंट अब मिलने लगा है। फुल हाई स्पोर्ट सुपर बाइक वाला फील यहाँ पे देने की कोशिश कर रही है TVS वाले। बाकी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह भी चेंज हुए हैं। यहाँ पे अगर आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से आपको विंगलेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्पीड में 3 किलो का डाउनफोर्स जो है क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको LED वाले टर्न सिग्नल्स, जो कि ऑलरेडी पहले भी मिलते थे आपको, यहाँ पर अगर आप फ्रंट से देखोगे तो वही ट्रांसपेरेंट वाइज़र है और वही BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ट्रांसपेरेंट सा वाइज़र, BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर जो कि आपको दोनों साइड मिलते हैं, डबल प्रोजेक्टर मिलता है और रोशनी भाई इतनी दमदार रहती है, कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BI LED टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन, बीच में TVS का लोगो मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है अपसाइड डाउन वाले फॉर्क सस्पेंशन। अब इसमें आपको क्विक शिफ्टर और स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाएगा। 300 मिलीमीटर की फ्रंट में डिस्क ब्रेक, ड्राइव ब्रेक के कैलिपर और अपसाइड डाउन वाले गोल्डन कलर के फॉर्क सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। यार, विंगलेट्स की वजह से गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा सा और बल्की हो चुका है। यहाँ पर अपाची का स्टीकर आपको टैंक से लेकर पूरा वाइजर तक मिल जाता है, फेयरिंग तक। यहाँ पर RR 310 की ब्रांडिंग, DOHC मिल जाता है, इंजन रिवर्स इंक्लाइंट, यहाँ पे डू नॉट ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है। बाकी अगर मैं यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ पर ये लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ आती है बाइक। और बाकी इसका नया कलर तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हब है वो आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाता है। अभी बाइक स्टार्ट करके भी दिखाऊँगा कि कैसा ये घूमने में देखने में लगता है। 180 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस और इंजन की बात करें तो 312 cc का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल रिवर्स इंक्लाइन DOHC इंजन मिल जाता है, जो कि आपकी मैक्सिमम पावर 38 PS की 9900 RPM पर और 29 Nm का टॉर्क 7900 RPM पर जनरेट करता है। यहाँ पर आपको वेव की ऑप्शन मिल जाता है। मीटर कंसोल में कोई चेंज नहीं है, बस इसमें थोड़े छोटे छोटे चेंज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। रुकिए, मैं पहले इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसके मीटर कंसोल में देखोगे तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। बाकी ऊपर डिस्प्ले में आपको अर्बन मोड में गाड़ी शिफ्ट है अभी, यहाँ पर आपको न्यूट्रल, कूलेंट, टेम्परेचर, ओडोमीटर, Trip 1, Trip 2 ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ग्रीन कलर की एक नई लाइट है, वो इसका क्रूज कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS और इंजन माल फंक्शन की लाइट। बाकी यहाँ पर बटन से भी मैं इसको कंट्रोल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक। स्पोर्ट्स और ट्रैक अभी लॉक हैं, वो 1000 किलोमीटर सर्विस के बाद खुलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर, डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मेंस, माइलेज, स्पीड, मतलब परफॉर्मेंस का मतलब ये कि गाड़ी क्या माइलेज, क्या स्पीड जनरेट कर रही है। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। डिस्प्ले सेटअप में जाएंगे तो ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मीटर कंसोल की। यहाँ पर विडगेट मिल जाते हैं। स्पीड अलर्ट आप ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिए, ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लीजिए। और बाकी यहाँ पर अगर आप इसकी स्क्रीन को ब्लैक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्रेफरेंस में आपको जाना है, डिस्प्ले सेटअप में जाके फिर यहाँ पर डे एंड नाइट मोड में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप मैनुअल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नाइट में शिफ्ट कर देंगे तो डिस्प्ले इसकी ब्लैक हो जाएगी। मेरे हिसाब से यार ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और रेन वेन में इसकी जो स्क्रीन है भाई वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। 2-piece फॉरगेट हैंडल बार मिल जाती है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर अब आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड बटन। तो भाई ये कोई अपडेट नहीं है, ये कॉस्ट कटिंग है। यहाँ पर अगर आप एक ही बटन में आपको हाई बीम और अपर डिपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है ऑन ऑफ। यहाँ पर साइड में देखोगे तो ये हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन है। यहाँ पर 4 बटन दिए गए मीटर कंसोल कंट्रोल करने के लिए, नीचे हॉर्न का बटन। और बाकी यहाँ पर अब आपको लीवर एडजस्टेबल मिल जाते हैं, चाहे क्लच हो चाहे ब्रेक लीवर हो, दोनों लीवर आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे। RR 310 की बैजिंग, 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी मिरर्स आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। बाकी यहाँ पर अगर मैं इस बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊँ भी आपको तो यहाँ पर पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड बटन मिल जाता है, जिसमें आपको इंजन, किल स्विच और सेल्फ मिल जाता है। तो चलिए बाइक की आवाज़ सुनते हैं नई RR 310।
पूरी गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी है, इसका हब ट्रांसपेरेंट वाला। रुकिए मैं गाड़ी बंद करके फिर स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी की आवाज़ तो यार भाई वैसे ही है, अगर 19-20 का फ़र्क होगा। बाकी एग्जॉस्ट भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टील की प्लेट, DOHC इंजन यानी कि रिवर्स इंक्लाइन इंजन, यहाँ पे सस्पेंशन के पीछे आपको मड फ्लैप मिल जाता है। पीछे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मिचलिन रोड 5 के टायर मिल जाते हैं। पीछे आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, आगे आपको 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है। यहाँ पे एक सिंगल ग्रैब रेल मिल जाती है, RR310 की ब्रांडिंग। बाकी सीट हाइट की बात करें, 810 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। पीछे की तरफ भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। टेल सेक्शन भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। नंबर प्लेट के ऊपर LED लाइट, पीछे बड़ा सा टायर है। अगर यहाँ पर 150 सेक्शन का टायर है, जो कि दोनों टायर आपके रेडियल ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं फ्रंट और रियर में मिचलिन के। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चैन पॉकेट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ओपन चैन सेट कवर मड फ्लैप के साथ अटैच में दिया गया है। और यहाँ पर अब आपको मिलने लगा है क्विक शिफ्टर, जो कि काफ़ी दिनों से भाई काफ़ी लोगों की कंप्लेंट थी कि RR310 में क्विक शिफ्टर आ जाए, तो RR310 में क्विक शिफ्टर आ चुका है भाई। तो यहाँ पर गाड़ी में बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, जो कि इसको ज़रूरत थी और इसको वो चीज़ मिल चुकी है। तो भाई अब गाड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन रह चुकी है आपके लिए। यहाँ पर साइड स्टैंड के ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर, और यहाँ पर अगर आप अपाचे की स्टिकरिंग वगैरह देखोगे तो ये भी थोड़ी सी चेंज हुई है। अगर मैं अब प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अपाची RR310 नई वाली बॉम्बर ग्रे कलर क्विक शिफ्टर के साथ इसकी एक शोरूम कीमत है 2,97,000 रुपये। इसकी ऑन रोड कीमत की बात करें तो यहाँ पर आपको ये 3,45,710 रुपये की मिल जाती है, कियारा TVS हैबतमऊ रायबरेली रोड लखनऊ में। तो भाई अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पूरा नंबर डिस्क्रिप्शन में एड्रेस सहित आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक बार कॉन्टैक्ट करके अपनी बाइक को बुक कर सकते हैं। टेस्ट राइड के लिए भी व्हीकल अवेलेबल है, तो आप एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वैभव मोटरवर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें कार्स और बाइक्स के रिव्यूज़ देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अब नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।